आज की ये वीडियो उनके लिए है जो ब्राज़ील में रह रहे हैं, जिन्होंने ब्राज़ील में कोई कंपनी रजिस्टर की हुई है जिसका वो हर महीने टैक्स पे करते हैं। कई लोगों को नहीं पता है कि वो जो टैक्स रिटर्न होते हैं वो आप खुद उनको निकाल सकते हो ऑनलाइन, और किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं कई ठग बैठे हैं जो उनसे पैसे देते हैं मंथली और उनको टैक्स रिटर्न निकाल कर देते हैं। उतना टैक्स नहीं होता जितने वो पैसे दे देते हैं टैक्स रिटर्न निकालने के। तो इस वीडियो में मैं यही एक्सप्लेन करूंगा कि आप अपनी, अगर आपकी कोई कंपनी रजिस्टर की हुई है तो आप खुद उसका टैक्स रिटर्न वाले फॉर्म कैसे निकाल सकते हो और उसको कैसे पे कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं, जहाँ मेरी वेबसाइट है वहाँ पर मैं जाकर भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पर जब आप जाओगे कॉन्टैक्ट वाला पेज आपने ओपन करना है, वहाँ पर मैं आपने आपका नाम लिखना है, उसके बाद आपने आपकी ईमेल आईडी टाइप करनी है, फिर आपने आपका फ़ोन नंबर टाइप करना है, फ़ोन नंबर आपने कंट्री कोड के साथ टाइप करना है, फिर आपका जो भी क्वेश्चन है वो आप नीचे टाइप कर सकते हो, उसके बाद आपने सेंड मैसेज वाले बटन पर क्लिक कर देना है, इससे मुझको मैसेज मिल जाएगा। इसके साथ ही राइट साइड में आपको मुझको फेसबुक पर मैसेज करने की भी ऑप्शन मिल जाएगी, वहाँ पर मैं भी अगर आप चाहते हो मुझको मैसेज भेज सकते हो, जहाँ फिर आप मुझको ईमेल भी कर सकते हो। मेरी ईमेल आईडी भी वहीं पर मैं लिखी हुई है। अगर आप मुझको व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप मुझको व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी एंड्रॉयड ऐप में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। मेरी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपने यहाँ पर मैं क्लिक करना है, उसके बाद प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ऑनलाइन टैक्स रिटर्न कैसे डाउनलोड कर सकते हो। ये बहुत ही इजी है। आपने इंटरनेट पर DAS लिखकर सर्च करनी है। आप गूगल में सर्च कर सकते हो और कहीं भी सर्च कर सकते हो। उसके बाद आपने ये वाला पेज ओपन करना है। वैसे इस पेज का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, वहाँ से भी आप इसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये साइट ओपन हो गई है। वैसे ये साइट पुर्तगीज में है, अगर आपको पुर्तगीज नहीं आती है तो आपने इस साइट को गूगल क्रोम में ओपन करना है, वहाँ पर मैं आपने यहाँ पर मैं क्लिक करना है और उसके बाद आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये साइट इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुकी है। मैं इसको फिर से पुर्तगीज में कर देता हूँ। अगर आपके सिस्टम में ट्रांसलेट की ऑप्शन नहीं आ रही है तो आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ से भी आप ट्रांसलेट कर सकते हो। मैं इस साइट को फिर से पुर्तगीज में कर देता हूँ क्योंकि मुझको पुर्तगीज कुछ कुछ समझ आती है और वैसे भी जो ट्रांसलेट होती है वो पूरी तरह से सही नहीं होती है। यहाँ पर मैं आपने आपका CNPJ नंबर लिखना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर मैं जो ये राइट साइड में ये वाला कोड शो हो रहा है, ये वाला आपने वहाँ नीचे लिखना है। टाइप करने के बाद आपने यहाँ पर मैं क्लिक करना है और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, जहाँ पर मैं आप चेक कर सकते हो कि आपका CNPJ नंबर और आपके कुछ और डिटेल जहाँ पर मैं लिखे होंगे। यहाँ पर मैं आपने ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है जहाँ पर मैं DAS लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है। फिर यहाँ पर मैं आपने ईयर सेलेक्ट करना है कि कौन से साल की आप टैक्स रिटर्न निकालना चाहते हो। मुझको फरवरी 2019 के टैक्स रिटर्न निकालने हैं तो मैं यहाँ पर मैं पहले ईयर सेलेक्ट करूँगा 2019। जैसा कि यहाँ पर मैं आप देख सकते हो कि सारे साल के सभी मंथ के यहाँ पर मैं टैक्स रिटर्न शो हो रहे हैं। मैंने जनवरी का पे कर दिया है, अब मैं फरवरी का यहाँ से निकालूंगा। आपने जिस भी मंथ का टैक्स रिटर्न निकालना है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने सारे साल के निकालना है तो सभी को आप सिलेक्ट कर सकते हो।
यहाँ पर मैं नीचे अपने डेट टाइप करनी है कि अप्रोक्सीमेटली आप किस डेट तक ये टैक्स रिटर्न को आप पे कर दोगे। डेट टाइप करने के बाद आपने यहाँ पर मैं क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर मैं क्लिक करना है और ये पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगी। आप यहाँ भी इसको सेव करना चाहते हैं आपने इसको सेव कर देना है। ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और देख सकते हैं कि ये फाइल ओपन हो गई है। यहाँ पर मेरे सारे डिटेल्स वगैरह लिखे हुए हैं, CNPJ नंबर, मेरा नाम वगैरह सारा कुछ, और यहाँ पर मैं डेट भी है कि किससे पहले पहले आपने इसको पे करना है। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा। आई होप कि आपको ये सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा और आप आपके टैक्स रिटर्न आप खुद प्रिंट कर सकती हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, बाय, टेक केयर।